माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी और लंबी आयु उन्हें प्रदान करें। आज जैसा कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में एक चीज कही गई है, एक बात कही गई है, इन पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत के अंदर जो ग्रंथ हमारा लिखा गया है, श्रीमद् भागवत की गीता, उसमें भी कहा गया है कि जब जब इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, तो मैं किसी ना किसी रूप में जन्म लूंगा। जैसा कि आपको तमाम जनमानस को याद हो, भगवान श्री राम ने जब इस पावन धरती पर जन्म लिया था राक्षसों का वध करने के लिए, तो राम और लक्ष्मण के रूप में उन्होंने इस धरती पर अवतरित हुआ। उसके बाद महाभारत काल में आपको ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में उन्होंने इस भारत के, हिंदुस्तान की पावन भूमि पर जन्म लेकर अत्याचारियों का, दुराचारियों का शरणनाश किया। तो आज हम देख रहे हैं और मान रहे हैं पूरा विश्व कि आज मोदी जी और योगी जी राम और लक्ष्मण की रूप में, एक जोड़ी के रूप में है। इतिहास दबा रहा है, हमेशा ये इस तरह से प्रकट हुए हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो इन बातों को मानने वाले नहीं। आज हमारे मोदी जी के कार्यकाल में जो हजारों हजारों वर्ष से नहीं हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। जैसे ही ये है, पुण्य आत्माओं ने इस धरती पर प्रकट हुए इन अत्याचारियों का नाश करने के लिए, और वो दिन दूर नहीं जब इस देश में राम राज्य होगा, जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, अफगानिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, ईरान इराक इस्लामिक देश हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान जो कि हिंदुओं का स्थान है, वह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। और ये तभी मुमकिन है जब मोदी है, मोदी और योगी की जुगलबंदी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द इस हिंदुस्तान की पावन भूमि को राम राज्य की ओर और हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर के जा रहा है, और हमारा जो हिंदुस्तान है वो जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के चलते। तो आज मैं पुनः तेजस्वी, ओजस्वी और भारत को धर्म गुरु और विश्व गुरु की पहचान दिलाने वाले श्रीमान नरेंद्र